हेलो गाइस, मेरा नाम निशान। तो भैया, अभी भी कितने लोग हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछिए कि आईफोन कौन से आईफोन में कौन सा आपको प्रोसेसर मिलता है और कौन से आईफोन में कितने प्राइस का है और कौन से आईफोन में 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा स्टोरेज को मिलता है। तो भैया, मैंने 6 मिनट की वीडियो बनाई, आप देखो जाकर कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, किस प्राइस रेंज पर लॉन्च हुआ, सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। खैर, इस पर जल्दी आपको बता देता हूँ। देखो भैया, आईफोन 14 में 4 फोन आपको देने को मिलने वाले हैं। चार फोन आपके ये आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 में आपको 6.1 इंच की आपको डिस्प्ले देने को मिलती है और आईफोन 14 प्लस में आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले देने को मिलने वाली है। बाकी इसमें दोनों ही फोन में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देने को मिलने वाला है और इसमें आपको A15 बायोनिक चिप देने को मिलेगी। इस फोन की जो प्राइस है वो आपको 80,000 का आपको फोन देने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं प्रो वेरियंट की, आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स। प्रो आपका 6.1 इंच का आपको डिस्प्ले देने को मिलने वाला है और प्रो मैक्स आपको 6.7 इंच का आपको स्मार्टफोन का है, इसके स्क्रीन का साइज आपको वो देने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको A16 बायोनिक चिप आपको देने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप को मिलने वाला है। इस फोन की जो प्राइस है वो आपको आईफोन 14 प्लस की आपको सॉरी प्रो की आपको इसमें देने को मिलने वाली 1,40,000 रुपए की, और 1 लाख मतलब 40,000 रुपए या 20,000 रुपए की ऐसी कुछ है। और आईफोन 14 जो आपका हायर वाला वेरियंट है प्रो मैक्स ही, आपको 1,70,000-1,60,000 ऐसी कुछ प्राइस में आपको देखने को मिलने वाला है। तो खैर, ये था आपका फोन। दो फोन में आपको A15 बायोनिक चिप और प्रो वेरियंट वहां पे आपको देने को मिलने वाली A15 बायोनिक चिप आपको 14 प्लस में, और 14 प्रो मैक्स में आपको आईफोन ए बायोनिक चिप आपको 16 देखने को मिलने वाली। तो खैर, आज की वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।